नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जब मैंने ऑनलाइन खाना बनाना शुरू किया तो मुझे लगता था इतनी आसान रेसिपी मैं क्यों बनाऊं, है इतनी आसान रेसिपी तो सबको पता होगी, मैं क्यों बनाऊं। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, सबको पता नहीं होती, तो इसलिए मैंने सिंपल रेसिपीज बनाना शुरू किया और अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो उसको सिंप्लीफाई करने में लगा दिया। और ऐसी एक सिंपल रेसिपी जिसको मैं बड़े टाइम से अवॉइड कर रहा हूँ बनाना, वो है चिकन बर्गर। मुझे लगता है चिकन बर्गर में क्या यार है, लेकिन नहीं, चिकन बर्गर में बहुत कुछ है और वो सारी बारीकियों के साथ। नमस्कार, मैं रणवीर बरार और मिलते हैं 10 सेकंड में। चिकन बर्गर बनाना है ना, आ जाएगा फिर। मुझे लगता है क्या है यार रणवीर, चिकन बर्गर भी कोई सिखाने वाली चीज है, सीख जाएंगे लोग अपने आप। पर मैंने कहा नहीं, चिकन बर्गर के बारे में पहले खुद सोचो, अपना जो एक्सपर्टीज है यत्न प्रयत्न लगाओ उसको सिंप्लीफाई करने में लोगों के लिए, और फिर बनाओ। तो वही करने वाला हूँ मैं, ठीक है जी। बढ़िया था, चिकन बर्गर बनाते हैं। मतलब आप घर में 25 मिनट में अपने हाथ में बर्गर पाएंगे इस रेसिपी के साथ। और दूसरा, ये बर्गर जो है ना, इसके अंदर चीज़ डालेंगे हम, चिकन बर्गर स्टफ्ड विद चीज़। हाउ कूल इज दैट। सबसे पहले गाजर चॉप, उसके बाद अदरक। देसी फ्राई तो करना जरूरी है ना बर्गर को, नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ भाई। सेलरी भी डाल सकते हैं, हमारे जैसे छोटे शहर के बच्चे धनिया की डंडी में बिलीव करते हैं। ये अब क्या रह गया, मिर्ची बिल्कुल बारीक बारीक, फाइन ट्यून, सॉरी फाइन चॉप। तो एक बर्गर पैटी जो आजकल बहुत फेमस है वह स्टफ्ड बर्गर पैटीज। तो ये आइडिया वही है कि हम स्टफ्ड बर्गर पैटी बना रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तेल में गया अदरक, हरी मिर्च, धनिया, धनिया की डंडी आई मीन, उसके बाद गई गाजर, नाइस, नमक, पानी का मारना है हल्का सा छींटा, नाइस। मतलब गाजर की सब्जी नहीं बनानी, लेकिन गाजर को पकाना है ना थोड़ा। ये लगा दो जी ढक्कन। अभी चिकन मिन्स के अंदर डाला मेयोनेज, ये भी एक ट्रिक है, सबको नहीं बताते, थोड़ा सा मेयोनेज। मेयोनेज से चिकन मिन्स जो है वो नरम भी होता है और गल भी जाता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रिक, बतानी नहीं सबको, लोगों को करने दो मेहनत, ढूंढने दो ये वीडियो। घर पे लोग आएंगे आपका बर्गर खाएंगे, बोलेंगे इतना जूसी कैसे, आप बोलना एक वीडियो है यूट्यूब पे, बताना मत कौन सा। हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है जी। बहुत ही बेसिक साइंस है जी, ये जो कमर्शियल मेयोनेज है इसके अंदर विनेगर बहुत होता है प्रिजर्व करने के लिए। वो विनेगर से चिकन नरम हो जाता है, इसके अंदर फैट होता है, उस फैट से जो चिकन अदरवाइज ड्राई मीट होता है उसमें मॉइस्टनेस आ जाती है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। तीसरी चीज़, क्योंकि वो इमल्शन ऑलरेडी होता है, चर्बी जो है वो ऑलरेडी इमल्सिफाई हो रखी है, फैट इमल्सिफाई हो रखा है, तो वो चिकन के अंदर आसानी से घुस जाता है, दैट इज इट। ये देखिए, ये पहले था और ये अभी है। अब ये जो हमारा मायरपुआ है जी, इसको अंग्रेजी में मायरपुआ बोलते हैं, इसको करना है ठंडा और मिला लेना है चिकन मिन्स में। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डाल सकते हैं, अगर बच्चों को चिकन बर्गर पसंद है तो हर वो सब्जी डालिए जो वो नहीं खाते, चॉप करके डाल दिए चिकन बर्गर में, क्या चलता है। थोड़ा सा नमक और या तो ब्लैक पेपर और या फिर चॉप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें ये गया मायरपुआ और ये गया ऑरिगैनो और इसको कर लिया जी मिक्स। ये लीजिए, अभी इसको फिनिश करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेश ब्रेड क्रम डालूंगा मैं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखिए, इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लगभग 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम, ताकि पकड़ आ जाए, थोड़ी हैंडल करने में इजी हो जाए। अगर आपका चिकन मिन्स रनी हो रहा है, जैसे मेरा थोड़ा रनी हो रहा था, तो आप उसमें थोड़ा ब्रेड क्रम डाल सकते हैं। ये देखिए, उतने से ब्रेड क्रम ने अपना काम कर दिया। अब तो बहुत ही सिंपल है जी, अब थोड़ी चीज़ ग्रेट करनी है एक कटोरे में। वेस्ट कुछ नहीं करते हम। इस चीज़ के अंदर डालनी है चॉप करी हुई ताज़ी मिर्च
हरी मिर्च, लाल मिर्च, जो मिर्च आपको डालनी है डालो जी, है लेकिन एकदम चटकारा आना चाहिए। इसका नाम है जी पटाखा चिकन बर्गर। 25 मिनट में बनाए पटाखा चिकन बर्गर। थोड़ा ओरिगैनो और चॉप धनिया भी डाल सकते हैं, बट दिस इज ओके, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर थोड़ा फ्रेश ब्रेड क्रम, क्यों? ताकि एकदम से चीज जो है वो पानी ना छोड़े। कितना डाला मैंने? लगभग हाफ टी स्पून। अब तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है। एक कटोरे में थोड़ा पानी रखें, एक कटोरे में ब्रेड क्रम रखें, एक कटोरे में चीज रखें, हाथों को थोड़ा पानी लगाएं और ये उठाएं चिकन बर्गर की पैटी, इसको ऐसे ओपन करें और शर्माएं नहीं, बस कंजूसी ना करें। अब ये चीज जो है डाल दें एकदम ठोक के, और ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है ताकि चीज जो है वो निकल ना जाए। बस ये ऐसे फैला के, और ये देखिए ये अब चीज का ऐसे बम बना दिया एक, ये लीजिए। ये इस बम को ब्रेड क्रम में घुमाया और घुमाते रहे। ये जो हमारे चिकन और चीज का बम है ना, अगर आपको लग रहा है कि ढीला है, टेंशन ना लें, चिकन जो है वो अपने आप पकड़ लेगा इसको। अब इस एटम बम को ऐसे रख दें, ठीक है, एकदम लूज लूज। देखिए चीज जो है वो श्रद्धा अनुसार डालिएगा, है कहीं आप चीज जोश जोश में ज्यादा डाल दें बाद में फट जाए, किसी को क्या पता चल रहा है कि बर्गर के अंदर फटा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब जितना कंट्रोल हो उतने डालिएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं चाहता आपको सिंपल सा चिकन बर्गर दिखा देता, फिर मेरे मन में भी रहता रणवीर यार तू 25-26 साल से खाना बना रहा है और तू दिखा रहा है कि ये लो जी चिकन का कीमा लो, उसके अंदर चार मसाले डालो, बन गया चिकन बर्गर। तो मुझे मज़ा इसमें आता है कि सिंपल चीज़ों को और सिंपली और थोड़े से प्यार मोहब्बत भरे ट्विस्ट के साथ कैसे पेश करूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक एंड आई होप, मतलब आई होप यू लाइक इट टू। ये गाड़ी तो तभी चलेगी ना जी, हमारी लाइक से क्या फर्क पड़ता है, लाइक तो आपकी आनी चाहिए ना। ये अपने आप जितना सोखेगा वो सोख लेगा। तो अब एक फटाफट से इसके साथ में एक रेलिश बना रहा हूँ मैं, एक थोड़ी सी डिफरेंट है, नई चीज़ है लेकिन बड़े मज़े की चीज़ है, आपको मज़ा बहुत आएगा अगर आप अपने बर्गर में डालेंगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए रेड येलो पेपर, उसको हल्का सा टॉस करके, काली मिर्च, शहद और मस्टर्ड, यानी कि पिसी हुई सरसों, रेगुलर सरसों है ना जिसमें आप अड़का अड़का लगाते हैं, वो ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, वो भी चलेगा। कोई भी चॉप वेजिटेबल डाल दीजिए इसके अंदर, अगर बेल पेपर नहीं डालना है चॉप गाजर डाल दीजिए, जो चॉप वेजिटेबल है वो डाल दीजिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो सॉस है, ठीक है जी, ज़्यादा पकाना भी नहीं है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गर्म नहीं किया पैन को। सॉल्ट, ये लो जी, काली मिर्च, तेल वेल कुछ नहीं डालना। अब ये देसी पने में मैं काली मिर्च डाल रहा हूँ, ऐसे दबा के आप मत डालिएगा है, मतलब अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना। और एक बस पानी का छींटा ताकि नरम हो जाए बस। ये गया मस्टर्ड, मस्टर्ड नहीं है कोई बात नहीं है, आप सरसों पीस के उसका पाउडर डाल दीजिए। और ये गया शहद, इसको पकाया एंड बस एक बार बॉईल किया, उसके बाद छोड़ दिया, अपने आप समय के साथ और गर्मी के साथ जो है वो बेल पेपर नरम हो जाएंगे, है ना, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे इनको। ये अगर लाल मिर्च डालनी है लाल मिर्च डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है ना, वो सरसों की झांझ होनी चाहिए, हनी की मिठास होनी चाहिए और एक मिर्च का किक होना चाहिए। एक ग्रिल्ड अनियन के लिए प्याज को इतना मोटा काटना है, देखिए मतलब ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा, जूसी रहना चाहिए अनियन, ड्राई नहीं होना चाहिए। और सलाद के लिए ये टोमेटो स्लाइसेस, कभी भी बर्गर बना रहे ना तो ये सामान रेडी कर लीजिए। ये लो जी क्यूकम्बर, अच्छा इसको जब शैलो फ्राई करेंगे ना तो अच्छे तेल में शैलो फ्राई कीजिएगा। उसके दो कारण है, एक तो ये क्योंकि पैटी मोटी है तो इसलिए आपको तेल अच्छा डालना पड़ेगा, दूसरा टेंशन मत लीजिए तेल पिएगी नहीं पैटी, ऑयल जो है वो पिएगी नहीं, ऑयल छोड़ेगी लेकिन टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होगा और तेल जो है उस टेम्परेचर ड्रॉप को संभाल लेगा, ठीक है जी। या फिर चिकन पैटी बना के उसको फ्रिज में डाल दीजिए तो वो हैंडल करने में ईजी हो जाएगी, ठीक है जी। बट
हम कर लेंगे हैंडल ठीक ठाक, हो जाएगा हमारा काम तो चल जाएगा। तेल के गर्म होने का इंतज़ार करें और अब बड़े ध्यान से डाल दें जी पैटी, एक डाली और ये दूसरी डाल दें ध्यान से, इसलिए क्योंकि अंदर चीज़ है। अब समझ में आया मैंने क्यों बोला एक्स्ट्रा ऑयल, ये पिएगी नहीं लेकिन टेम्परेचर अच्छा आएगा, कलर अच्छा आएगा, कुकिंग इवन हो जाएगी। दैट इज़ व्हाई आई सेड यूज़ मोर ऑयल। बड़े ध्यान से पलटना है जी, हैं जो हमने मामला सील बंद किया हुआ है वो सील बंद ही रहना चाहिए। अभी जूसीनेस की पूरी गारंटी, क्यों? क्योंकि वो मेयोनेज़ डाला है ना चिकन मिंस में। अभी ये फूल रहा है ना एकदम पूरी की तरह, क्यों फूल रहा है? क्योंकि चिकन जो है वो पक के फूलता है और दूसरा इसके अंदर का चीज़ जो है ना वो गर्म हो रहा है, पिघल रहा है और मॉइस्चर छोड़ रहा है। नाइस। इसको जी 80% पकाना है, हैं 80% मतलब जब आप इसको दबाएंगे तो इट शुड बाउंस बैक, एंड व्हेन इट्स बाउंसिंग बैक इट्स डन। बाकी 20% अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अपनी गर्मी में, अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिडुअल हीट और हिंदी में कितना सिंपली बोल देते हैं ना, अपनी गर्मी में हो जाएगा। अभी पैन में गया थोड़ा बटर, बटर के बाद गए थोड़े अनियन, वो ग्रिल अनियन भी तो पूरे करने हैं ना जी, पर वो बटर में करना है। बटर और प्याज का प्यार बहुत पुराना है मेरे दोस्त। दूसरी तरफ ये बर्गर बन काट लिया, ठीक है ना, ये लो जी पाव सेक लो इसकी, ये डन, क्रिस्प क्रस्ट बन गई। ठीक है जी, ये ग्रिल अनियन को निकाल दो, बटर में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, सॉल्ट इसके अंदर है, थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से डालूंगा मैं बस, ये सॉल्ट पेपर एंड डन। ये लो जी मेयोनेज, आजकल तो वो जमाना है कि मेयोनेज के लिए भी कहना पड़ता है कि मेयोनेज स्वाद अनुसार। देखिए नॉर्मली मैं मेयोनेज की इतनी तारीफ कभी नहीं करता, बट अगर आप वेज या चिकन बर्गर बना रहे हैं तो मेयोनेज डाल दीजिए, क्योंकि वो ड्राई होता है, चिकन और वेजिटेबल थोड़ा ड्राई होता है, मेयोनेज में जो रसायत रिचनेस होती है वो उसको कवर कर लेती है। ठीक है, और सीजन करते रहिए, हर चीज़ में नमक काली मिर्च लगाते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये वाली बर्गर ड्यूटी ना होटलों में पैंट्री में होती है, मैंने बड़े टाइम से नहीं लगाई है ड्यूटी जी, आप ही लगा लो कम से कम, नहीं तो 17-18 साल बाद लगा रहा हूँ मैं आज बर्गर। इनसे मिलिए, ये है सलाद पत्ता अर्थात लेटस लीफ, जो आजकल बड़े डिमांड में है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितने मर्जी पाप करें अगर सलाद पत्ता खा लें तो सेहत अच्छी हो जाएगी, है मतलब फ्रेंच फ्राइज के साथ डाइट कोला, ये ऐसे बनना चाहिए कुतुब मीनार बर्गर का, तब मज़ा आता है। अब इसके बाद वो जो रेलिश बनाई थी ना हमने, ये गई थी रेलिश, वो खट्टे मीठी मस्टर्ड के झांझ वाली, और इसको तो बना के आप फ्रिज में रख लीजिए, कुछ नहीं होता 15 दिन। अब ग्रिल्ड अनियन, मेयोनेज पसंद हैं तो थोड़ा मेयोनेज, अगर आप चीज़ पसंद हैं तो थोड़ा चीज़, ये इनको जी बर्गर जी को अब चीज़ का जामा पहना दिया गया है, ये हमारा प्रोग्राम ताकि हैंडलिंग में इजी हो जाए बर्गर। तो बर्गर का मज़ा ये है, कोई परफेक्शन नहीं होना चाहिए बर्गर में, बर्गर हैज़ टू बी मेसी आइडियली, जब आप खाएं तो मतलब वैसे मुंह गंदा होना चाहिए, हाथों के ऊपर इट शुड ड्रिप ऑन योर हैंड्स, मज़ा वही है बर्गर का। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ओए होए 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 होए, ए देखो जी चीज स्टफ्ड चिकन बर्गर है ना जी, ब्यूटीफुल। अब क्या रह गया? खाना रह गया ना, लेकिन आपको खाने के लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसी तकनीक डेवलप नहीं हुई है जब बर्गर यू उछल के आपके फोन या टीवी के थ्रू आपके हाथ में आ जाए। प्लीज ट्राई इट, मजे की रेसिपी और कोई मुश्किल नहीं, 25 मिनट बन जाएगी मेरी गारंटी, सामान मतलब एकदम रेडी करके फिर बैठिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच।
डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।